एक सपना था वो पूरा होता हुआ दिखेगा। बैठ गया हूँ टैक्सी में और जैसे नंगे पैर चला जाएगा, मैं वहां तक नंगे पैर चलूंगा। हर महादेव सभी को। और अभी जैसे कि बज रहे हैं 4 बज रहे हैं और मतलब हम उठ चुके हैं और मैं फ्रेश भी हुआ हूँ और अभी जाके लाइन में लगेंगे। बस लाइन में लग के फिर हम गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड से फिर वहाँ पर स्नान वगैरह करके फिर हम जाएंगे ऊपर बाबा के पास, जो हमारा 16 किलोमीटर का ट्रैक है वो हम पैदल। कितनी पीछे तक लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पे 3 बजे से लाइन में लगे हुए और हम 5 बजे करीब लाइन में लगे हैं। और अभी यहाँ से टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड में जाके स्नान करेंगे और स्नान करके फिर बाबा की जो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो करके बाबा के दर्शन करेंगे और फिर रात वहीं रुकेंगे। और बहुत लंबी लाइन है भाई, ऐसे तो नंबर शायद आए ना है, कुछ पता नहीं। तो सवेरा हो चुका है और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और मैंने मम्मी को वहाँ लगा रखा है, जैसे लगाया मम्मी मेरी उम्मीद के पास। और अभी यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे, 3 किलोमीटर है, गौरीकुंड जाकर स्नान करेंगे और मॉर्निंग व्यू बहुत अच्छा है और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है सच में। हमें बोला गया था कि 4 बजे लाइन में, 3:30 बजे लाइन में लग जाना, बट उससे 1 घंटा डिले लगे, मतलब 5:30 बजे के आसपास लगे थे और अब 6:10 हो चुके हैं। तो जाएंगे गौरीकुंड स्नान करेंगे फिर बाबा की यात्रा 16 किलोमीटर। जय बोलो कि बहुत ज़्यादा खुशी है और मतलब आज से 7 या 8 घंटे बाद आँखों में ना एक सपना था वो पूरा होता हुआ दिखेगा, एक सपना था वो पूरा होता हुआ दिखेगा और स्वर्ग आँखों में होगा, स्वर्ग आँखों के सामने होगा। जय बोले। लगभग 1 घंटा हो गया लाइन में लगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही, क्योंकि वहाँ पे टैक्सियाँ खड़ी हैं, 10-12 लोग को एक बार में ले जा रही है और फिर उन्हें छोड़ के आती है, फिर नीचे लेके आती है। मैं थोड़ा आके बैठ गया हूँ अभी, क्योंकि पानी भी लेना था मेरे को और मुन्नू मेरी जगह लाइन पे लगा हुआ है, वो यहाँ पर आएगा इस जगह पर, मैं उसको आके ले लूँगा। और 6:48 हो गए और आपको पता है कितनी लाइन में लगा था जगह से अभी लगभग आगे हमें 300-350 मीटर आगे जाना है, जहाँ पर हमें टैक्सी मिलेगी और बहुत लंबी लाइन है। और मुन्नू भी पता नहीं कहाँ है, आगे लगा हुआ था, लाइन बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमने लाइन का पहला पड़ा पार कर लिया है, तो यहाँ से हम बैरियर क्रॉस करके आ गए और आगे हमें जाना है और उसके बाद अभी आगे पता नहीं कितनी और आगे जाना है गौरीकुंड के लिए, कहाँ टैक्सी मिली कुछ नहीं पता। और अभी मेरे पीछे का व्यू देखो, कौन सी थी, मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर है, ये मंदाकिनी रिवर है। और अभी ठंड लग रही थी, बट जैकेट उतार दी है, गौरीकुंड में जाके स्नान करना और अभी देखते हैं कहाँ से टैक्सी मिलती है, टैक्सी लेकर फिर गौरीकुंड जाते हैं, गौरीकुंड जाके स्नान करते हैं फिर बाबा की 16 किलोमीटर की यात्रा। ये नज़ारा देखो, दो जगह से डिवाइडेशन के थ्रू जल आ रहा है, एक इधर से, और ये बाबा केदारनाथ की यात्रा हो गई स्टार्ट। वहाँ भी लाइन, सब जगह लाइन ही लाइन लगी पड़ी है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगो, 5 बजे से लाइन में लगो, लोग 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, हम 5 बजे लगे, 5:30 बजे करीब लगे थे और ये लाइन ही खत्म हो गई, नहीं दे रही है, बहुत लंबी लाइन है। ये पता नहीं टैक्सी और कितनी आगे से मिलेगी, ये नहीं पता, आई थिंक ये ब्रिज क्रॉस करके मिल जाए, तो ब्रिज से चल के जा रहे हैं और आई थिंक आगे जाके इस ब्रिज क्रॉस करके टैक्सी मिलेगी। ये देखो टैक्सी वो ऊपर वाले रास्ते से जा रही है, तो मैं एक हाथ में मैंने बोतल पकड़ रखी है, तो मैं बोतल से दिखाता हूँ, वहाँ से टैक्सी जाएगी गौरीकुंड निकल गया। तो देखो टैक्सी स्टैंड है, बहुत कम है उसके हिसाब से जा रहे हैं, पर सवारी 50 रुपये चार्ज है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। अभी जैसे मैंने वो बैरियर क्रॉस करा तो मैंने जैकेट पहनी और उसके बाद मैंने थोड़ी आगे बढ़ा तो मैंने जैकेट की जिप लगा ली है और क्यों ठंड बढ़ती जा रही है। यहाँ से टैक्सी मिलेगी, इस टैक्सी में बैठ कर जाएंगे हम। भाई क्या रेट है? 50 रुपये सवारी, ये लिखा हुआ है 50 रुपये सवारी में जाओगे आप लोग। और ये टैक्सी है, बैठ गया हूँ टैक्सी में और सिंगल है, कोई सिंगल और क्या, दो सवारी की उम्मीद है, तो चलते हैं। और अब से टैक्सी ली थी हमने और अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और ये रूट है गौरीकुंड जाने का और यहाँ से गौरीकुंड 3 किलोमीटर है, आई थिंक 15 से 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, वहाँ स्नान करके फिर निकल जाऊँगा। और ये व्यू देखो आप, एक
बहुत मस्त व्यू है। देखो वहाँ से लाइन चल के आ रही है, वो लाइन देखो, वहाँ से चल के हम यहाँ पहुँचे अब सुबह 5:30 बजे के लगभग। उन्होंने यहाँ पर उतार दिया हम लोगों को, और जो अभी पैसे लेने हम लोग को चेंज देने में 200 रुपये दिए हैं, हमारे 100 रुपये हो गए नंबर हमारे। और वो जो जिन सब का वॉच दिख रहा है वहाँ तक हमें पैदल जा रहे हैं ट्रैक करते हुए, क्योंकि वहाँ से आगे फिर हम गाड़ी स्नान करेंगे। यहाँ से ट्रैक करते हुए जाना है, और आई डोंट नो क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा साइड बैठे बाबा से मिल लेगा, लाइन है क्या है कुछ नहीं पता, जान करके जाएंगे। और ये मुन्नू आ रहा है, सारे भाई आ रहे हैं हमारे टैक्सी वाले, और जा रहे हैं। देखो भैया ये देखो वाटर क्रॉसिंग ये आई थिंक बारिश पड़ रही है। गोरीकुंड आ गए, आगे जाके स्नान करना है। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा नज़ारा है इसके लिए, ये वाटरफॉल। बारिश हो रही है आई थिंक ऊपर, और आवाज़ सुन रहे हो रिवर की? मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, बट उसकी आवाज़ आप लोगों को ज़रूर आ रही होगी। और वो देखो वहाँ लंगूर बैठे हैं, ये है गोरीकुंड, और यहाँ सब नहाते हैं, और यहाँ 12 महीने गर्म पानी रहता है, और उधर महिलाओं के लिए ढक के कर रखा है, बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है जो भी है। और अभी जाके स्नान करते हैं 10-15 मिनट में, जल्दी रेडी होकर फिर जाता हूँ ऊपर। स्नान करके आ गया, मुन्नु गया, मुन्नु कर गए, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, खोल रहा है पानी, बट एक्चुअली इसमें क्या है, आप लोग खाओ तो इधर ऊपर से आते टाइम आप स्नान करें, क्योंकि आपको थकान होगी तो गर्म पानी में नहाते थकान उतर जाएगी, ये यहाँ की मान्यता है। क्योंकि आप लोग अगर गर्म पानी में जाते हो तो खड़े नहीं हिले ना, अगर हिलोगे तो आपको गर्म पानी लगेगा, नहीं हिलोगे तो गर्म पानी नहीं लगेगा। और अभी एकदम भाई रेडी हो गया है, सारे कपड़े मैंने नए पहने हैं, सारे कपड़े नए पहने हैं, और मैंने सोचा है मैं नंगे पैर यात्रा करूँगा, तो मैं कुछ नहीं पहनूँगा, जूते वूते नहीं पहनूँगा, नंगे पैर वापस की यात्रा करूँगा, जहाँ तक मेरे से नंगे पैर चला जाएगा मैं वहाँ तक नंगे पैर चलूँगा। और चलते हैं, मुन्नू आ जाए फिर मैं पूजा कर लेता हूँ, मैं जल्दी चला देता हूँ, उसके बाद कुछ खाते हैं नाश्ता करके फिर निकलते हैं बाबा से दोबारा। गरम पानी से अभी मुन्नू नहा रहा है, ऊपर बैठ के मैं नीचे बैठ के रहा था, मैंने वीडियो शूट नहीं कराई, बट उसको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तो वो नहा रहा है। यार नंगे पुंगे क्या दिखा रहा हूँ, मुन्नू को दिखा दूँ, बाकी सबको नहीं दिखा रहा, और वो नहा रहा है। ओ भाई जल्दी नहा के आ जाए यार। अब फाइनली चलते हैं बाबा की 16 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अब नाश्ता वास्ता देखते करेंगे करेंगे नहीं करेंगे, वरना ऊपर कर लेंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ कर लेंगे, बाल थोड़े इसलिए हाथ पारों सेट करने पड़ेंगे, अभी नहा के आया हूँ। और सॉफ्ट गोरीकुंड से स्नान करके हम लोग निकल चुके हैं, और अब ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, और मैंने शूज़ पहने नहीं हैं, तो मैं नंगे पैर पूरी ट्रैकिंग करूँगा, हर हर महादेव। तो बाबा की कृपा बनी रहे, ठंड ज़्यादा है, ठंडा लग रहा है पैरों में थोड़ा बहुत, बट मैंने सोचा कि सोच के आया था ये वाली बात, तो मतलब मन्नत वन्नत नहीं मांगी, मैंने बोला था कि मैं जब जाऊँगा तो नंगे पैर ही जाऊँगा, जहाँ तक मेरे से चला जाएगा वहाँ तक मैं नंगे पैर जाऊँगा, मैंने ये बोला है। और तुम्हारा भाई नंगे पैर जा रहा है ट्रैक करने, बाबा की कृपा बन गया है बस। मैगी चाय ये हमारा ब्रेकफास्ट है, ये करके हम निकलते हैं ऊपर, और लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा।